This is Harsh Gupta. I am welcoming you all to my channel Golden Classes. So in today's video we are going to cover class 12 physics chapter 1 electric fields and charges one shot part 2 जहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स की। प्रीवियस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करके आ चुके थे क्या इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, जहां पे हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्कस किए, प्रॉपर्टीज डिस्कस की एंड हमने कूलम्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये सब डिस्कस किया। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेल में अच्छे से समझा। और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हम देखते हैं क्या, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में वो होगा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखो, अब बेसिकली यहाँ होता क्या है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है। कंटिन्यूस पहले हम पढ़ के आ चुके हैं चार्ज का डिस्क्रीट नेचर। चार्ज डिस्क्रीट रहता है, क्वांटम रहता है, क्वांटाइज रहता है, ये सब हमने बात करा था जब चार्ज क्वांटाइज था। लेकिन कभी कभी मैक्रोस्कोपिक लेवल पर चार्ज क्वांटाइज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो फुली स्प्रेड कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट पर। लाइक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो सिस्टम है जहाँ पर चार्ज किसी कंडक्टर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। अगर मैं बात करूँ, ये रॉड है हमारे पास एक, और यहाँ पर चार्ज जो है वो कंटिन्यूस है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट है, फैला पड़ा है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस केस में इसका क्वांटाइज नेचर चार्ज का इग्नोर हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्ज इनके में स्पेसिंग ज़्यादा है, क्लोजली पैक्ड है, तो हम इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते ऐसे। इसलिए यहाँ पर हम फॉलो करेंगे क्या, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई होप कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है वो आपको समझ में आया होगा। अब देखो, प्रैक्टिकली तो हम भाई ऐसे ही चार्जेस से डील करते हैं मैग्नीट्यूड में बड़े, ठीक है। तो हम इस केस में क्वांटम नेचर चार्ज का इग्नोर कर सकते हैं, और हम ये इमेजिन करते हैं कि जो चार्ज है वो हर जगह स्प्रेड है, कंटिन्यूस मैनर में स्प्रेड है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को, चार्ज के इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। और ये तीन तरीके का होता है। यहाँ पर भी इन कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम, कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम में जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। लाइक ये रॉड है और ये पॉजिटिव चार्जली आपस में क्लोजली पैक्ड हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, माइनर स्पेस होते हैं चार्जेस के बीच में। ये तीन तरीके का हमको देखने को मिलता है। पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये तीन तरीके के हमको देखने को मिलते हैं। बात करें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जब चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ओवर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर की ये जो लेंथ है और इस लेंथ में ये वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, तब हम कहते हैं कि ये क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं, किससे, लैम्डा से इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस केस में लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लैम्डा किसके बराबर होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ के, चार्ज पर यूनिट लेंथ के, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, चार्ज देख सकते हैं, चार्ज क्या बनेगा, क्यू इक्वल्स टू डी एल लैम्डा, क्योंकि जब हमने इसके लिए बात करी, इस पार्टिकुलर सेक्शन के लिए हम यहाँ पर गए, स्मॉल सेक्शन हमने लिया ये, तो ये लेंथ तो डी एल है और ये पूरी लेंथ क्या है, एल। तो इस वाले सेक्शन के लिए मैं बात करी तो यहाँ पर चार्ज क्या होगा, लैम्डा इंटू डी एल, और ओवरऑल हमको निकालना पड़ेगा तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हमारे पास चार्ज निकल के आएगा, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ओवर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जब आप निकालोगे ओवरऑल के लिए, तो Q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लैम्डा इंटू डी एल, ठीक है। इस तरीके से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी होती है।
बात करें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो चार्ज जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है कहाँ पर, कंडक्टर के सरफेस पे, मतलब इस बार वो है सरफेस पर, लाइक यहाँ पर कहीं ये सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। और एक करेक्शन करना, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मली नहीं होगा, ये यहाँ पे यूनिफॉर्मली है, ठीक है। जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है वो द लेंथ ऑफ कंडक्टर, तब उसको कहते हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और इस केस में क्या होता है, सरफेस पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में वो सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है कंडक्टर के, ठीक है। तो इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है, इसको डिनोट करते हैं हम सिग्मा से, लाइक ये वाला सिग्मा, ठीक है। और ये बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। और अगर इसके लिए आप चार्ज निकालोगे, लाइक मैं अगर बात करूँ इस कोई आर्बिट्रेरी की, तो यहाँ पे मान लो कि आपके सरफेस पर चार्ज डिसाइड कर रहा है, ये सरफेस पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली का मतलब क्लोजली पैक्ड है आपस में और डिस्टेंस सेम रहेगा, ऐसा ऐसा है कुछ। तो इस केस में आप क्या चार्ज निकालोगे, मान लो इस पोर्शन से मुझे निकालना है, इस वाले पार्टिकुलर सरफेस पर मुझे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम क्यू बराबर करेंगे सिग्मा अपॉन एरिया, और एरिया कौन सा लेंगे, डी ए, क्योंकि ये स्मॉल वाला पार्ट है यहाँ, ये हम लेंगे क्या, एक मिनट, ये हम लेंगे सिग्मा अपॉन, क्यू बराबर होगा सिग्मा अपॉन डी ए, ठीक है। इस पार्टिकुलर एरिया की बात करें, हर एरिया का निकालना है तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और ये डी क्यू निकलेगा यहाँ से, और क्यू निकालना है तो दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये क्यू मिल जाएगा, ये बराबर होगा इसके सिग्मा डी ए के, ठीक है। उस केस में भी आप यहाँ पे डी ए निकालेंगे, ठीक है, डी क्यू बराबर होगा उसके। अच्छा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये और ज़्यादा इजी, क्योंकि वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, ओवर द लेंथ नहीं, ओवर अ वॉल्यूम, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम में, मान लो ये रहा और अंदर पूरा चार्ज है, अंदर पूरा चार्ज भरा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको डिनोट करते हैं हम किससे, रो से, और रो बराबर किसके होता है, रो बराबर आपका होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम के, ये बराबर होता है चार्ज बाय वॉल्यूम के, ठीक है। अच्छा, तो रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, और अगर हमको पूरा क्यू निकालना है तो डी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, रो डी वी के, और चार्ज इंटायर चार्ज निकालना है तो क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन, तो क्यू बराबर इंटीग्रेशन रो डी वी, ठीक है। यहाँ से आप क्यू निकाल सकते हो, क्वेश्चन ज़्यादा पूछ नहीं जाते, बस एक रफ आइडिया आपको यहाँ पे लगाना है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, हम देख के आए हैं चार्ज को, ठीक है। अब चार्ज है कोई, उसका अपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मतलब वो कुछ फोर्स वगैरह जब एक्सपीरियंस करता है और एक्सपीरियंस कराता भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फोर्स विच इट एक्सपीरियंसेस और इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर चार्जेस या फिर अनदर सबस्टेंसेस, दूसरों पर भी ये फोर्स लगाता है और खुद भी फोर्स इन्फ्लुएंस्ड रहता है, और ये प्रॉपर्टी होती है मैटर की कोई, ठीक है। तो अब कोई तो रेंज होगी ना उस फोर्स की, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकल के आया कि चार्ज के अराउंड वो स्पेस जहाँ पर उसका इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस किया जा सकता है, मतलब कि अगर हम कोई चार्ज लेकर के आए उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो या तो वो रिपल कर जाएगा या तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो उसका इन्फ्लुएंस, चार्ज का इन्फ्लुएंस जहाँ पर हो उस स्पेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक बात याद रखना, जो चार्ज आपका फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जो चार्ज आपका, ये मान लो क्यू है प्लस क्यू, ये आपका फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस प्लस क्यू को मैं कहूँगा
सोर्स चार्ज ठीक है, ये मैं कहूँगा क्या है ये सोर्स चार्ज। और जो आप चार्ज लेकर के आओगे, जो इसका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ठीक है, वो होगा आपका टेस्ट चार्ज। ये आपका होता है क्या, टेस्ट चार्ज ठीक है, क्योंकि आगे यहाँ पर काम आएगा। तो अब देखो ध्यान से, ये टू स्टेप प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब कि जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज पे, ये दो स्टेप प्रोसेस है। कैसे वो एक्सर्ट करता है ये बताना है। सबसे पहले तो सोर्स चार्ज अपना खुद का एक फील्ड क्रिएट करता है, जो सोर्स चार्ज है बड़ा वाला जहाँ से फील्ड निकलती है ठीक है, तो वो अपना एक फील्ड क्रिएट करता है खुद का, विच मीन्स डैट इट क्रिएट्स अ रीजन अप टू विच इट विल बी एबल टू एक्सेप्ट फोर्स ऑन एनी अदर चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। तो वही मतलब फील्ड मतलब क्या, वो रीजन जहाँ तक ये अपना फोर्स एक्सर्ट कर पाएगा किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट पे। अब जब भी टेस्ट चार्ज, सेकेंड प्रोसेस क्या है, सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है, जब भी टेस्ट चार्ज इस रीजन में आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है सोर्स चार्ज की वजह से। या तो वो पॉजिटिव हो, अगर वो चार्ज पॉजिटिव होगा तो वो क्या हो जाएगा, मान लो कि सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव है और आप जो टेस्ट चार्ज है वो भी पॉजिटिव लेके आ रहे हो तो उसको रिपल्सन लगेगा, और अगर टेस्ट चार्ज आपका नेगेटिव लेके आ रहे हो तो अट्रैक्ट हो जाएगा प्लस क्यू के फील्ड में ठीक है ना। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन सेम होती है एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना, टेस्ट चार्ज है हमारे पास और ये हमने पॉजिटिव लेके मान रहे हैं, ये हम पॉजिटिव लेके मान रहे हैं, और हम मान सकते हैं कि एक बार हम ये सह लें कि जो सोर्स चार्ज है वो माइनस क्यू का है, और एक बार हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये प्लस क्यू का है, और हमने ये मान के चले हैं कि ये एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही है। टेस्ट चार्ज को हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, और हमने दो केस बना लिए, जब हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव हो और जब हमारा सोर्स चार्ज एक बार पॉजिटिव हो। अच्छा तो ये नेगेटिव है, ये भी ये नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, तो इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये वाला जो चार्ज है इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में, अपनी तरफ ही खींचेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो नेगेटिव आपका सोर्स चार्ज होता है, नेगेटिव सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है, ये इनवर्ड होगा ठीक है। कैसा होगा ये इनवर्ड डायरेक्शन में होगा ठीक। अच्छा और ये प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो ये वाला चार्ज किस तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, रिपल्शन। तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल मारेगा, तो ये इसको दूर भगाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो प्लस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, और जो निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सोर्स चार्ज, क्योंकि सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, वो हमेशा इनवर्ट रहता है, वो क्या रहता है, इनवर्ट रहता है ठीक है। अच्छा इसकी और क्लियर इमेज मैं आपको अगर बना के दिखाऊं, तो मान लो कि ये प्लस क्यू सोर्स चार्ज है और ये माइनस क्यू सोर्स चार्ज है, तो क्या होता है, तो जो प्लस क्यू वाला सोर्स चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में रहती है, हमने अभी देखा, क्योंकि हम टेस्ट चार्ज को अज्यूम करके चलते हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा अंदर की तरफ रहती है माइनस क्यू चार्ज की ठीक है। इसको एक मिनट ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। तो ये होती है आपकी कहानी, इसकी यूनिट क्या होगी। अब इलेक्ट्रिक चार्ज डिफाइन कैसे करते हैं हम, अभी तो हम इतनी कहानी देख ली, लेकिन अब इसकी मेन डेफिनेशन की बात करें तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है। फॉर्मूला इसका देखें, तो इसका जब हम फॉर्मूला देखें तो हमारे पास क्या आएगा, E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू,
और ये क्यू क्या है आपका? सोर्स चार्ज, ये आपका टेस्ट चार्ज है, नॉट सोर्स चार्ज, ठीक है। अच्छा, इसको लिख सकते हैं मैं के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर अपॉन क्यू। अच्छा, तो यहाँ से ये एफ है, ठीक है, क्यू से क्यू तो गया, क्या मिला आपको? के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये ई का फॉर्मूला आया फॉर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये क्लियर है। तो ये आपका निकल के आया क्या, एक मिनट, ये आपका निकल के आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला निकल के आया है, तब आप इसकी यूनिट निकाल सकते हो, फोर्स न्यूटन और चार्ज, तो न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट हो गई। क्या हो गई इसकी यूनिट? इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। और इसके डायमेंशन क्या हुए, फोर्स के क्या होते हैं, MLT -2। फोर्स का क्या होता है, MLT -2, क्योंकि मास इंटरसलेशन और एक्सलेशन का होता है LT -2, तो MLT -2 फोर्स का, और अपॉन में सी कूलाम चार्ज। तो चार्ज का क्या होता है ऐसा यूनिट में क्या होता है, तो इसका डायमेंशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो इसका डायमेंशन आप फाइंड करोगे चार्ज से। चार्ज को हम लिख सकते हैं, चार्ज को हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है कूलाम चार्ज का, तो सी बराबर होता है करंट अपॉन टाइम, ठीक है, सॉरी आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है ना, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, आई बराबर होता है क्यू बाई टी के। तो यहाँ से आप क्यू का डायमेंशन निकाल सकते हो 80, क्यू क्या आएगा 80, तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा, इसका डायमेंशन बन जाएगा MLT -1, क्या बनेगा MLT -1 या MLT -3, ये बनेगा, और ए इनवर्स, ठीक है, ये आएगा। इसका ज़रा आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो इस वाले पार्ट का आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे, ओके। अब चलते हैं आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज मे बी डिफाइंड एज, किसी एक पॉइंट सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, और उसको डिफाइन करते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड, ये आएगा प्लेस्ड, ठीक है, प्लीज नहीं है वो, प्लेस्ड है, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज, ठीक है। वही जो हमने अभी देखा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये भी हो गया। हम देखो एक चीज़ डिस्कस करते हैं यहाँ पे, तब अब ज़रा एक चीज़ डिस्कस करते हैं, क्या हमारा ई का फॉर्मूला था क्या एफ वेक्टर फोर्स वेक्टर है और क्यू नॉट। मैं बता दूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज फोर्स बाय, मतलब आपने पढ़ा होगा कि वेक्टर बाय स्केलर इज ऑल्सो अ वेक्टर, वेक्टर बाय स्केलर गिव्स यू वेक्टर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को ज़रा ध्यान से देखो, ये जो क्यू नॉट चार्ज है वो मान लो हमारा टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज हमारे सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि भाई इस क्यू नॉट चार्ज का भी तो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही ना, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टर्ब करेगा वो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, राइट। तो इसलिए हम क्या करती हैं, इस क्यू नॉट चार्ज को स्मॉल, इतना स्मॉल लेते हैं ताकि ये ई वेक्टर की जो वैल्यू है उसको अफेक्ट ना करे, ठीक है। जो हमारा ई वेक्टर है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है सोर्स चार्ज से जो निकल रहा है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं क्यू नॉट चार्ज को बहुत छोटा लेते हैं। अब इसी वजह से हम डिफाइन कर देते हैं एक और डेफिनेशन जो है हमारे पास, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट मे बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन अ वैनिशिंगली
यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर तो फोर्स लग ही रहा है, ऑन अ वेनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट डेट पॉइंट। ठीक है, मतलब इस बार वेनिशिंगली चार्ज है। आपने देखा होगा जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो, K Q Q अपॉन R² बाई Q इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये चार्ज तो गया, ये चार्ज तो गायब हो गया। ठीक है, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये तो गया, कट हो गया, ये तो आया ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं था। ठीक है, टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं था। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट में बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन अ वेनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये आर डिस्टेंस पे कोई चार्ज प्लेस्ड है हमारा क्यू, और इसका फील्ड क्या है बाहर की तरफ पर, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तब इसका बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। बात करते हैं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तब हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स फॉर अ पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड्स फॉर अ नेगेटिव चार्ज। ये कौन सा चार्ज है, ये हमारा सोर्स चार्ज है, ये हमारा सोर्स चार्ज है, मतलब कि अगर हमारा सोर्स चार्ज प्लस क्यू है तब तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमारी कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड्स होगी, मतलब कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस। भाई स्फीयर है होता है, मान लो, मान लो इसको ये स्फीयर है, ठीक है, तो इसकी रेडियली आउटवर्ड्स है। एक और ले लो माइनस क्यू वाला, तो माइनस क्यू वाला ये है। अब इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होगी, ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। हम मान लो कई सारे चार्जेस हैं हमारे सिस्टम में, एक सिस्टम में काफ़ी सारे चार्जेस हैं। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल कैलकुलेट करना होगा। हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे उन सभी चार्जेस से जो निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उसको। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, यहाँ पर भी हमारे पास क्या आया है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आ गया है। इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ये वाला, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है इनके कारण, Q1, Q2, Q3, Q3, ये सभी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर लगा रहे हैं। मान लो इसको नाम दे देता हूँ मैं Q, और ये Q1, Q2, Q3 ये क्या लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं इस पे, ये इस डायरेक्शन में, ये इस पर और ये इधर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम इनका वेक्टर सम कर देंगे इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो हर चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है उस पॉइंट पर इंडिविजुअली। पहले उसका निकालेंगे, फिर उसका निकालेंगे, फिर उससे निकालेंगे, फिर उनका हम वेक्टर सम कर देंगे। ये मान के कि बाकी के सभी चार्जेस एबसेंट है, मतलब मान लो मैं Q2 और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ, Q2 और प्लस क्यू का, यहाँ पर ये क्यू मान लो इसको, तो Q2 और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ तो मैं ये अज्यूम करके चलूँगा कि अभी Q1 Q3 नहीं है। बाद में जब मैं Q1 निकालूंगा, Q1 से Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड, तब मैं अज्यूम करूंगा Q2 Q3 नहीं है। तो इस तरीके से ये प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन पहले डिस्कस कर चुके हैं हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के वीडियो में, जहाँ पर हमने फोर्सेस का इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन डिस्कस किया था। मैंने क्या बोला अभी, जो भी बोला हो मुझे याद नहीं, मैंने ये कहा होगा कि जो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, जब जहाँ पर हमने फोर्सेस पर प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन अप्लाई किया था। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कंसेप्ट पे। ठीक है, अब माइकल फैराडे ने लाइंस ऑफ फोर्स का एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर या उसका मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन कर सकें। कोई स्मॉल पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब प्लेस करते हैं हम उसको, तब उसके ऊपर एक फोर्स लगता है डेफिनेट डायरेक्शन में और वो मूव करने लगता है। लाइक ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस डायरेक्शन में है और ये इसमें आएगा तो इसका भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, इस पर फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, आगे जाएगा तो ये मूव करने लगे ना उस सर्टेन डायरेक्शन में। द पाथ अलॉन्ग विच दिस चार्ज वुड मूव विल बी लाइन ऑफ फोर्स। अच्छा,
समझने की कोशिश करना ये क्यों है, ठीक है। और इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। मान लो आप इस पॉइंट पर क्या लेके आए, इस चार्ज को लेके आए, इस प्लस क्यू चार्ज को लेके आए, और ये भी प्लस क्यू का सोर्स चार्ज है, टेस्ट चार्ज प्लस क्यू है। तब जब ये इस डायरेक्शन में ही रिपल जाएगा, इस डायरेक्शन में, और ये कह रहा है कि द पाथ, वो पाथ जिसके अलॉन्ग चार्ज मूव करने लगेगा वो ही होगी हमारी लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में बी डिफाइंड एज द कर्व अलॉन्ग विच अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वुड टेंड टू मूव वैन फ्री टू डू सो इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, एक कर्व है जिसके अलॉन्ग एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज मूव करना शुरू कर देगा जब वो फ्री होगा ऐसा करने के लिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उस कर्व पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तब क्या देगा, वो हमें डायरेक्शन बता देगा उस पॉइंट पर, मतलब उस पॉइंट पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो वो हमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहली बात याद रखना, पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस विल बी रेडियली आउटवर्ड्स, लाइक ये वाला केस आउटवर्ड्स है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड्स क्यों होती है, हम डिस्कस कर चुके। अगर हमने सोर्स चार्ज अलग लिया हुआ है ये, और टेस्ट चार्ज को हमने पॉजिटिव क्यों माना है, तब उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है जिस डायरेक्शन में वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, राइट। अच्छा, सेकेंड पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन ऑन अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन अ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर देखो, ये जा रही हैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही हैं, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव से पॉजिटिव। अब भाई दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो दोनों के दोनों पॉजिटिव जाएंगे, निकलेंगे यहीं से ही, और नेगेटिव यहाँ पे कोई है नहीं, तो ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। ये कहाँ जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इस पी पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो हमें इस पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है। क्यू और आर पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करा, ठीक है, इस फील्ड लाइन पे किसी इस पार्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो पी क्यू आर पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करे, तो ये हमें क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमको डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है। तो टेंजेंट क्या बताती है, किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो फील्ड लाइन की, किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तब आपको उस इलेक्ट्रिक फील्ड की उस पार्टिकुलर पॉइंट पर डायरेक्शन पता चल जाती है। फिर दो लाइन ऑफ फोर्स आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो करेंगी इंटरसेक्ट ऐसे, तब क्या होगा, देयर विल बी टू टेंजेंट्स, इसी सेम पॉइंट पर दो टेंजेंट्स हैं और दो डायरेक्शन देंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, जस्ट लाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के केस में भी हमने देखा था। द फील्ड लाइन्स नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स एज अ लाइन कैन नेवर स्टार्ट एंड एंड ऑन द सेम चार्ज, बट ये क्वाइट अपोजिट है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। मान लो ये हमारे पास बार मैग्नेट है, ये प्लस ये माइनस है, क्या होगा, ये प्लस से जाएंगे यहाँ पे, और आपने नोटिस किया होगा कि माइनस से पॉजिटिव की तरफ जाती है, अंदर की तरफ, मतलब एक कर्व टाइप बना लेती हैं, क्लोज लूप बना लेती हैं, कर्व नहीं क्लोज लूप, आप देख रहे हैं क्लोज लूप बन जाता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के केस में, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर पॉजिटिव से निकली है फील्ड लाइन नेगेटिव पे जा रही हैं, तब नेगेटिव से वापस पॉजिटिव पे नहीं आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो फील्ड लाइन्स स्ट्रेट होंगी, देख लो पैरेलल होंगी, और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होंगी, यानी कि इक्विडिस्टेंट होंगी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ये होता है। फिर रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन, मतलब कि जो लाइंस ऑफ फोर्स आपस में कितनी पास पास हैं वो हमको बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की उस रीजन में, मेजर बताता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। लाइंस ऑफ फोर्स अगर आपस में काफ़ी पास पास हैं, काफ़ी क्लोज हैं, तो उस पॉइंट पर, मतलब कि उस रीजन में, जिस रीजन में फील्ड लाइंस आपस में काफ़ी पास पास है, क्लोज हैं, उस केस में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, और
जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपस में बहुत दूर दूर हैं तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ काफ़ी कम होगी, मतलब वो वीक फील्ड होगा। और यूनिफॉर्म फील्ड में हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पैरेलल होंगी और इक्वली स्पेस्ड होंगी, यानी कि इक्वी डिस्टेंट होंगी। अब ज़रा इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ये P1 है, ये P2 है। P2 ज़्यादा डिस्टेंस पे है और P1 कम डिस्टेंस पे है। और हम डिस्कस करके आ चुके हैं एक रिलेशन और, आप देखो कि E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² के। ठीक है, मतलब इसका कर्व कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, तो ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/R² के। मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा यहाँ से, ये देखो, हाँ, तो जैसे जैसे आप लोग डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, क्योंकि ई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R², इसको बढ़ाओगे तभी इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो यहाँ पर देखो P1 और ये P2, P2 पॉइंट अलग अलग है, ठीक है, P2 पॉइंट दूर है थोड़ा। ठीक है, तो दोनों केस में P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, P1 पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके, डिस्टेंस के।